आजि जनवरी 23 तारिख 125तम नेताजी जयंती जातीय मुक्ति संग्राम रो महानायक महान स्वाधीनता संग्रामी तथा भारत माता रो सुजोग्य संतान सुभाष बोस को त्याग और बलिदान को मन पकाउछि सारा भारत वर्ष 1897 मसीहा आज दिन में ओडिशा रो पुरातन राजधानी कटक रो उड़िया बाजार स्थित जानकी भवन में जन्मग्रहण करते नेताजी सुभाष बोस ओडिशा माटी रो ई सुपुत्र दिने भारतीय स्वाधीनता संग्राम रो नेतृत्व नेबा सहित देशवासी को देखाइले ब्रिटिश शासन मुक्त होवार नुआ दिग्दर्शन जहाँपी आज सारा ओडिया जाति गर्वित देशर एक महान स्वाधीनता संग्रामी को केन्द्र सरकार पक्ष दी स्वतंत्र स्थान आ श्रेष्ठ सम्मान देशपाई त्याग आ बलिदान को कृतज्ञता जन सारा देश में गुंजरित नेताजी सुभाष बोस को गुणगान तेज 125तम नेताजी जयंती अवसर में देशर राजधानी दिल्ली स्थित इंडिया गेट ठारे प्रतिष्ठा होगा जा सुभाष बोस 25 फुट उच्चर विशाल प्रतिमूर्ति केन्द्र सरकार पक्षर यह प्रतिमूर्ति को चलित वर्ष अगस्त 15 सुधा एठारे प्रतिष्ठा करा लक्ष्य रखा मूर्ति कार्य संपूर्ण होगा पर्यंत एठारे शोभा पाइब नेताजी होलोग्राम प्रतिमूर्ति जहाँ आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अनावरण करिवार कार्यक्रम रही इंडिया गेट ठारे प्रतिष्ठा करा प्रतिमूर्ति उच्चता 25 फुट ऊर्ध हो जमापड़े नेताजी सुउच्च एवं आकर्षण पूर्ण अवयव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थापन होब केवल ओडिशा नुहे सारा देश राष्ट्रभक्त मन में उत्साह वातावरण खेल सूचना पाई रही प्रतिनिधि गगन विश्वाल अच्छा गगन आज नेताजी 125तम जयंती सहित जदि आम देखा कि नेताजी विराट अवयव आज इंडिया गेट रे शोभा पाइब हेलोग्राम प्रतिमूर्तिर भी अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री सो कह गले यहाँ हूँ गोटे मानने इतिहास मुहूर्त एवं सहित मत गोटे गौरव मुहूर्त हाँ देखो निर्मला निश्चित भाव नेताजी जयंती को आज प्रथम करी पराक्रम दिवस भाव में वर्तमान सेलिब्रेट करने केंद्र सरकार निकट निष्पत्ति नहीं गोटे बड़ कथा हूँ जो आम जो रही रिपब्लिक डे रो उत्सव रही 24 तारीख रु 30 तारीख पर्यंत प्रति वर्ष सेलिब्रेट करा जाए तार माहौल राजपथ रे रहे वर्तमान ताको एक्सटेंड करा जाइछि आज आमे कही परिबा जो रही रिपब्लिक डे रो जो उत्सव रही आज आरंभ हो पराक्रम दिवस भाव में आज सेलिब्रेट करा जिवो जोटा कि नेताजी को बड़ सम्मान बोली केंद्र सरकार कहते 125तम जन्म जयंती जो रही जन्म वार्षिक जो रही निश्चित भाव आज पराक्रम डे हिसाब से सेलिब्रेट कर आज देखिए अनेक गुड़े कार्यक्रम केन्द्र सरकार पक्ष रही सर्वप्रथमे प्रधानमंत्री जो रही होलोग्राम मूर्ति इंडिया गेट सामने जो पार्टी रही जोटी की जी कहे अनेक वर्ष धरी सी खाली रही जोटा कि पंचम जॉर्ज प्रतिमूर्ति पूर्वर था से स्थान में आज होलोग्राम मूर्ति को इनाग्रेट करेंगे प्रधानमंत्री एवं यहाँ पर 2019 रु 2022 पर्यंत जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो डिक्लेरेशन कराई आज केंद्र सरकार देबे जो 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 इंस्टीट्यूट रही व्यक्ति विशेष रही सम्मान राशि दिजिव 51 लाख टंकार एवं सर्टिफिकेट रही जो मैंने अनुष्ठान गुड़ी को एवं यदि पर्सनल जो कौन व्यक्ति विशेष को ये पुरस्कार रोचे नगद 5 लाख टंका देवार कार्यक्रम रही जो कथा आपण कहते निश्चित भाव होलोग्राम जो मूर्ति रहा निश्चित भाव 3D प्रतिच्छबि रहा उपर गोटे प्रोजेक्ट द्वारा या को परिचालन करा जहाँकि निश्चित भाव कहुच्छी केन्द्र सरकार पक्ष 90% स्वच्छ होलोग्राफिक स्क्रीन मध्यम या निर्माण कराई जहाँ परिदर्शक मान दृश्यमान हे ना तेरे निश्चित भाव यू ल्यूमेन्स टेक्नोलोजी जो प्रोजेक्ट द्वारा ये परिचालित सीधा साल प्रेस मध्यम प्रेस रिलीज मध्यम गत काली कहला तेरे निश्चित भाव जेहेतु मूर्ति बर्तन कार्य प्रस्तुति आरंभ हो तेरे निश्चित भाव किसी टाइमिंग लगे हूं तो 4-5 मास मध्य कंप्लीट करा प्लानिंग सारी जी रही मॉडर्न आर्ट गैलरी डीजी अद्वैत गणनायक जी जड़े उड़िया सी यही प्रतिमूर्ति को प्रस्तुत करिवे बोली सीधा सड़क खबर आसर अनेक गुड़िया प्रतिकृति रही दिल्ली राजघाट रे दांडी यात्रा कथा कहतु स्कॉटलैंड रे आत्मकथा कहतु अनेक गुड़िए कृतित्व रही निश्चित भाव से ओडिशा जन्म ग्रहण करते एत बड़ भव्य मूर्ति को जड़े ओडिया जदि निर्माण करेंगे निश्चित भाव राज्य गोटे गौरव कथा और जी देखिए नेताजी जो 125तम जन्म जयंती रही निश्चित भाव किसी मेसेज प्रधानमंत्री इंडिया गेट रु देपारती तेज ये जो सब कार्यक्रम रही हूं तो किसी समय पर समस्त कार्यक्रम आरंभ हो
ନିକଟରେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଉଟା କି ସିଫ୍ଟେଡ ହେଇଛି ଓ ୱାର ମେମୋରିଆଲକୁ ହୁଏତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠିକି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ହଲୋଗ୍ରାମିକ ରହିଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ହୁଏତ ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ର ମାହୋଲ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗଗନ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ଆଜି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୋଭା ପାଇବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହେଲୋଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନାବରଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ତେଣୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ, ରେଟଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ।